मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत मुखालिफ आजादी मार्च, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमाओं की 3 घंटे तवील बैठक, मुस्लिम लीग नून का आजादी मार्च में भरपूर शिरकत करने का फैसला। एहसन इकबाल ने इजलास में फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात के हवाले से क़यादत को आगाह किया। इजलास से कबल लीगी रहनुमाओं के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में फजलुर रहमान के हमरा आजादी मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उधर मियां शहबाज शरीफ कोटलखपत जेल में हमजा शहबाज से भी मिलने पहुंचे। आजादी मार्च और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान किसान इतिहाद के मसाइल जल्द हल करेंगे, सूबाई वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं हुकूमत दयानदारी से किसानों के मसाइल हल करना चाहती है। किसान इतिहाद के बिजली की कीमत, खाद और सब्सिडी के मुतालिबात हैं। सूबाई वजरा की यकीन दहानी पर किसान इतिहाद ने हड़ताल की कॉल मुअख्खर कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत मुखालिफ आजादी मार्च, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की 3 घंटे तवील बैठक, मुस्लिम लीग नून का आजादी मार्च में भरपूर शिरकत करने का फैसला। एहसन इकबाल ने इजलास में फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात के हवाले से क़यादत को आगाह किया। इजलास से कबल लीगी रहनुमाओं के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में फजलुर रहमान के हमरा आजादी मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उधर मियां शहबाज शरीफ कोटलखपत जेल में हमजा शहबाज से भी मिलने पहुंचे। आजादी मार्च और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान किसान इतिहाद के मसाइल जल्द हल करेंगे, सूबाई वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं हुकूमत दयानदारी से किसानों के मसाइल हल करना चाहती है। किसान इतिहाद के बिजली की कीमत, खाद और सब्सिडी के मुतालिबात हैं। सूबाई वजरा की यकीन दहानी पर किसान इतिहाद ने हड़ताल की कॉल मुअख्खर कर दी।